Kargil, a valley that lays strategically on the westernmost part of the higher Himalayas at the northern frontiers of India. It intersects with the lower Himalayas towards Kashmir and with the Karakoram range towards Baltistan. At an average altitude of 3,000 meters from mean sea level, Kargil is a trans-Himalayan region with its own microclimate and unique landscape. The region supports a wide variety of flora and fauna unique to the land. Kargil, as we know today, is home to a rare species of bears known as the Himalayan brown bears. The Himalayan brown bears are said to be the oldest lineage of the brown bears, yet one of the rarest of its species surviving in the world today. A close cousin of the American grizzly bears, it has thrived in the high mountains of the Himalayas, Karakoram, and the Hindu Kush for hundreds and thousands of years. And Kargil is one of the few remaining habitats of this critically endangered species. Not much is known about these magnificent creatures, but if one were to look through the pages of history, many myths and legends surround the Himalayan brown bear. उसका पुल शूल यहाँ गांव में नहीं होते थे तो वो दरिया क्रॉस नहीं कर सकते थे छोटे बच्चे को लेकर छोटे बच्चे ले जाता था उसलिए वो डर के एक को इस साइड रखते थे कहते हैं पुराने जमाने के लोग वो उसके ऊपर एक पत्थर रखता था एक को ये उठा कर जाती थी उसको पार छोड़कर वहाँ पत्थर लगा कर आने तक तो ये मर जाता था ये पत्थर वाला छोटा बच्चा तो फिर ये इसको बड़ा ये हो जाता तो फिर ये थोड़ा सा पत्थर शत्थर इधर उधर पलटा शलटा करके तो ये पार जाते थे पार भी वहाँ मरा हुआ होता था ये हमें रास्ते में मिलते थे बालू वहाँ से श्रीनगर की तरफ से और ये पहाड़ी के जहाँ पर थोड़ा सूखा होता वहाँ से वो मिट्टी खोद कर जड़े निकाल कर खाते थे और कहते हैं कि इसमें इतना सूखने की ताकत है 3 किलोमीटर से सूखते थे बालू में तो जहाँ पर ज़्यादा मुर्गे होते वहाँ ज़्यादा अटैक करते हैं अभी भी Locally known as Dren-Mo, which literally translates to beast-like, humans and bears in this region have coexisted since a long time. But today, this ecological balance is facing a unique challenge. Their shrinking habitat due to shifting political boundaries is worsened by increasing human presence and frequent conflicts with their livestock. It was in the spring of 2016 when many stories of livestock attacks by bears surfaced in the nearby villages of Kargil. जी बालू तो बहुत बार आ चुका है हर रोज आता है कंटिन्यूली तो लोगों को बहुत परेशानी की दिक्कत पड़ती है इधर परेशानी रात को तकरीबन 11 बजे के करीब आ जाता है 11 बजे के करीब आ जाता है फिर लोग मतलब नींद अपनी नींद खोकर बालू के पीछे लगे रहते हैं तो जब बालू भाग जाता है मतलब इस पहाड़ के मतलब साइड कर लेते हैं पार कर लेते हैं क्रॉस करके फिर लोग अपने आंगन में गद्दा सब लगा कर आग जलाते हैं और जहाँ भेड़ बकरियाँ रखते हैं वहाँ पर भी प्रोटेक्शन के लिए आग जलाते हैं बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा नुकसान भी हो गया है इस गाँव में भेड़ों का नुकसान गाय का नुकसान बहुत सारा नुकसान हो चुका है And these incidents over the last few years have been steadily increasing. Data from the Department of Wildlife reveals an alarming picture. Brown bear, हमारे
रिस्ट्रिक्ट करके इनमें हर जगह पाया जाता है, लेकिन इससे पहले इसका नुकसान पहले भी होता था, थोड़ा बहुत होता था, ज़्यादा नहीं होता था। 99 के बाद जब करील वार हो गई, उसके बाद कुछ सालों के बाद इसका थोड़ा नुकसान जो थोड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ब्राउन बियर अमूमन ज़्यादा घास पर गुजारा करते हैं, मीट भी खाता है, घास भी खाता है। लेकिन 99 के बाद क्या हुआ, क्योंकि 99 के बाद जो जगह जगह आर्मी कैंप लग गए, हर जगह गाँव के नज़दीक आर्मी कैंप लगे हर जगह, तो क्या हो गया, फिर उन्होंने जो उनका खाना शाना जो बचता था उन्होंने वो काफ़ी तादाद में काफ़ी खाना जो बचता था उन्होंने फेंक दिया बाहर, तो क्या हो गया, ब्राउन बियर जो है उनकी स्मेलिंग पावर जो है बहुत अच्छी है, तो इसकी वजह से वो खाने पर आ गए, खाना खाने के लिए आ गए, तो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गए, वो एक खाने के आदि हो गई है, उन्होंने घास खाना तकरीबन छोड़ दिया और खाने पर गुजारा करना छोड़ दिया, क्योंकि आदि 99 में जो बच्चा पैदा हो गया आज तक वो तो उसी में पल गया, तो क्या हो गया, फिर जब उनको कभी कभी खाना नहीं मिलता था तो गांव में जो आसपास निकल जाते गुजर जाते थे, तो जब खाना ना मिलने की वजह से उन्होंने क्या किया, जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से 99 के बाद जो है कंफ्लिक्ट केस जो है हमारे जानवरों का कंफ्लिक्ट केस वो ज्यादा बढ़ गए। As we look closer, the bear population and the human habitation is coming closer and is overlapping with each other. Bears and humans are now sharing the same landscape for their survival. Primarily omnivore, food sources of the Himalayan brown bears range from roots, shoots, berries, and occasionally small animals like marmots and insects. However, for the bear population around Kargil, their food sources seem to have evolved, leading to a peculiar change in their overall behavior. भालू आया था 2-3 दिन पहले आया था यहाँ पे, तो ये मेरा ही घर है जहाँ पर अभी बैठे हुए, तो आगे हमारे आंगन से आया, पहले यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत नोच लिया, वहाँ कुछ मिला नहीं, ऊंची जगह थी, फिर उसने दिमाग लगा के दूसरी साइड चला गया, तो पूरा खोदा है, जैसे इंसान ही इंसान से भी अच्छी तरीके से खोदा है, आप दिखा भी सकते हैं किस तो दिखा भी सकते हो, वहाँ दिख रहा है, तो सर उसने क्या किया था, एक भेड़ू को अंदर से निकाला बाहर, तो उसको वहीं पर पीट पीट के ख़त्म कर दिया, फिर बिछड़े को उसने पत्थर के नीचे दबाया था। अच्छा। हाँ, बिछड़े को कान में पकड़ के लाया, कान ही निकाल दिया था, पैर में पकड़ के उसने नीचे दबा दिया था, लाश में अंतड़ियाँ जो है मेरे घर के सामने से मतलब फेंकते गया था, हमें साफ करना पड़ा। Although we are limited by data and research, at the outset, the issue of human-wildlife conflict in Kargil is seemingly taking a serious turn. In May 2018, first ever incident of an attack on a human inside a village was recorded. Japanese can do this or a full of the values, Prusuga. Couldn't this Japanese can do the dealer. If one of the Gana, it's on the boom, you know, the boom, you know, Sana, Brunza, Sotin, or Dish Tons in Japan. Dirgapula, dogs of the Dicker. Japanese can do this or a full of the values, Prusuga. Couldn't this Japanese can do the dealer. If one of the Gana, it's on the boom, you know, Sana, Malina, Chemina, Lazil, the Dus. They're gonna use Dish Ton, Dish Tons, and just Sotin, the Dilla. They would add a boom, you know, but the child, the other thing, I do some Beshkachi Tons and Cosmopolica. They're gonna call that, call that, and you didn't inch up her as I said. No, 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 no,
کل تب سے کوئی بابا پھی باپ ہیس کو کوئی باچو باچو پھی سے کیوں سے نا باچو اس بشکا تاس بہکا پانچ تا من چو بس اجا کو دے دے کنا دل تا سو دل تا چنا من جان مت وز سای خس دے کنا سو دی چو بس اجا سن سو Without any substantial research, it is hard to ascertain the true nature and the reasons for such a dramatic change in their behavior. But this may be the right time to take a deeper look at the situation and find ways to restore this delicate balance before it's too late. In the face of such dire need to step up for the conservation work, in 2018, ROOTS Ladakh, a local organization with support from Wildlife Trust of India and the Department of Wildlife, started the Himalayan Brown Bear Project. So our larger vision with the Himalayan Brown Bear Project is to develop a sustainable community-based conservation model which not only mitigates the human-wildlife conflict, but also creates avenues for livelihood generation at a community level. Through our work, we want to influence policymakers and stakeholders to take decisive steps towards creating a conducive environment for human-wildlife coexistence. So we have realized in the last few years that the issue of human-animal conflict in Kargil, although it's very complex, but at a very fundamental level, there's a huge lack of awareness within the community about its native wildlife and especially the bears in the region. So it becomes imperative for us to start the work from within the community itself. This year, we have identified two villages with a high rate of conflict, and we conducted awareness and capacity building workshops with the community people. A project that aims to develop a community-led conflict mitigation and conservation model in these affected areas. The project focuses on wildlife conservation through empowering local communities. Sir, myself Saida Banu from Moscow Valley. So, आपका जो program था हमें बहुत खुशी हुई आपने इतने दूर से आके यहाँ पे awareness program रखा तो हमें इस program से काफी information मिली कि हमारे एरिया में कैसे कैसे जानवर पाए जाते हैं और हमें इनको कैसे कंजर्व करना है और इनका कैसे हमें फ़ायदा हासिल करना है जैसे हम टूरिज्म के लिए इनका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और हम जो है कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनकी हमलों से या हम अपने आप को कैसे हमारे माहौल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनसे तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने दूर से आके हमारे यहाँ इस गाँव में आके ये प्रोग्राम किया These workshops focused on various target groups in affected villages, including school children, local youth, and stakeholders from the district administration. At the community level, a total of 150 students from the local schools and about 200 village youth and women participated in the program. Various activities ranging from painting and drawing competition, speech competition, and plays based on wildlife and nature conservation were conducted with school children. Bhoti from Government High School, Mushkow. On this occasion, I am going develop my topic on Himalayan brown bear. The Himalayan brown bear is a subspecies of the brown bear family. This species is locally known as Dren-Mo in Ladakh and Ursus in China. हमारी धरती पर कई प्रकार के जानवर परिंदे और पेड़ पौधे हैं लेकिन इंसान इन सब में सबसे बुद्धिमान है इंसान ने अपनी तरक्की के लिए इस प्रकृति और इसमें रहने वाले बाघ जानवरों को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया है उसने मचा दी तबाही बिना सोचे समझे उसने मचा दी तबाही अब देखो कैसे हो रही है बर्बादी अब देखो कैसे हो रही है बर्बादी
children were also educated about their local flora and fauna through film screenings. The community workshops involved locals from the selected conflict areas who were shown documentaries and visual presentations by a team of experts and resource persons working in the field of wildlife conservation from across India. They provided vital information to the locals about the native wildlife, its value and importance, and ways to mitigate conflict at a community level. So, सबसे पहले ये जानवर जो आप देख रहे हैं ये एशियाटिक आइबेक्स, इसको स्किन आप बोलते हैं, कारगिल की जबान में स्किन बोलते हैं, ये आपने देखा होगा। ये छोटा था, छोटा नहीं, ये तकरीबन 3 साल का जानवर है। तो कहने का मकसद ये है कि पीछे पीछे मेरे पीछे आने के बावजूद भी इसने हमला नहीं किया। ये मसला जो शुरू हुआ है दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि एक तो यही कि हमारी आबादी बहुत बढ़ गई, जिससे हमने पूरे जो जानवरों के घर थे वहाँ पे हम चले गए। कहीं पे हमने माइनिंग की, कहीं पे हमने रोड बनाए, कहीं पे रेलवे बनाई, तो वो एक रीजन है। तो ये ऐसे चीज है, जैसा आपका जो ये हेरिटेज जैसा इन्होंने बताया, उस चीज को बचाए रखने के लिए। देखिए ब्राउन बियर हर एक दुनिया के हर एक कोने में नहीं पाया जाता है। ऐसे एरिया में आपकी एरिया लकी है कि आप यहाँ पे ये ब्राउन बियर जो है पाया जाता है। तो हमारा अभी रूट्स लद्दाख जो मुजामिल जी अभी इसी जो हेरिटेज को बचाने के लिए अभी पिछले एक साल से वो बहुत मेहनत से जुटे हुए हैं। जैसे जैन के गवर्नमेंट में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ के इस चीज को आप लोगों के थ्रू कम्युनिटीज के थ्रू बचाने की कोशिश कर रहा है इस हेरिटेज को। A voluntary committee for community wildlife watch was also created from amongst the interested village youth who were provided with searchlights and binoculars as a means for helping them in better operation and tracking of bears. This committee will essentially be working with the Department of Wildlife as first responders for real-time reporting during wildlife intrusions or attacks, and also to mobilize the community during any such intrusions. In the long run, they will also be provided training on knowledge of wildlife and guiding so that they can remain engaged in the conservation work. सबसे पहले तो हम रूट्स लद्दाख का थैंक्स कहना चाहते हैं जिन्होंने इतनी दूर से आए और हमारे यहाँ दूर दराज इलाके मुश्कू वैली में ये प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने किया। तो हमें इस सबसे पहले इस प्रोग्राम से ये अवेयरनेस मिले कि जंगली जानवरों की कैसे तहफ़ करना है, तो उनको कैसे यहाँ से भगाना है, कैसे ऐसी चीज़ों की जो है हमें यहाँ पर अवेयरनेस मिली। इसके लिए हम जो है सबसे पहले अब उनका बड़ा थैंक्स कहना चाहते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि कैसे जो है जानवरों को बचाना है, कैसे उनको अगर हमारे गांव के अंदर आना है तो सबसे पहले उनका कहना था कि जो खाना वगैरह जो हम यहाँ पर फेंकते हैं उसकी वजह से उनको जो है यहाँ पर नीचे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे लोगों को ये हिदायत मिली है कि अगर हमारे पास जो साइड में जो कचरा वगैरह हम जो खाना फेंकते हैं उसको जो है हम बाहर ना फेंकें, उसको कहीं ऐसी जगह पर फेंक दें जहाँ पर जो है वो उनको नज़र ना आए। तो इस वजह से जो है हमारे लोगों को इस कैंप की वजह से जो है काफ़ी अवेयरनेस मिली। तो हम जो है पूरे गाँव की तरफ से मैं अपनी तरफ से अब उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। Local stakeholders that included heads of the district, representatives from Department of Wildlife, Education, Forest and Law Enforcement, along with social activists, community leaders and conservation experts were brought together to understand the needs, challenges and strategies for conflict mitigation and policy drafting for a community-led conservation program. लेकिन इसके अलावा मेन रीजन जो है वो हमारे खुद बनाए हुए जो उसमें जो प्रेजेंस
हमारा ह्यूमन प्रेजेंस है, ह्यूमन फुटप्रिंट जो है इसके इलाके में बढ़ गया है। वो एक तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो करगिल वॉर के बाद उनकी प्रेजेंस ज्यादा रही, उनके कैंप्स जगह जगह इसके हैबिटेट में जगह जगह है, तो उनका जो तरीकेकार है, उनका जो गार्बेज डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं है। तो जनाब अभी मेहरबानी करके इसमें स्टार्ट की सिस्टम पर नजर देने की जरूरत है, और यहाँ पर मखसूस हमारे डिपार्टमेंट को फंड्स की जरूरत है। तो इसके अलावा जो यहाँ पर आपसे एक गुजारिश किया था कि आइडेंटिफिकेशन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हिमालयन ब्राउन बेयर्स आर अ लार्जली मिसअंडरस्टूड एनिमल, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड द मिथ्स it is surrounded by. Many a times it is being wrongly accused of depredation, while other large predators like the Tibetan wolf or the snow leopard are the actual culprits. Despite being a keystone species in its habitat, the Himalayan brown bear is relatively understudied in the Indian Himalayas, and there is no data available on its numbers, habitat size, and its behavior. While we continuously work with communities to mitigate conflict and to change their mindset towards this wild animal, there is a critical need to understand the impact of this keystone species on the ecosystem. Through long-term scientific research and root cause analysis to find a sustainable conservation approach. Eventually, like all other conservation success stories, conservation of this rare animal will only be successful if the government, conservation agencies, and the community work together.